मॉडर्न एज की ही एक कंटिन्यूशन है इन स्टाइल्स एंड इन द आर्ट एंड आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर्स एंड क्रिटिसिज्म दैट रिप्रेजेंट अ डिपार्चर फ्रॉम मॉडर्निस्ट मॉडर्निज्म्स एंड इट हैज हार्ट अ जनरल डिस्ट्रस्ट ऑफ द ग्रैंड थीरीज ऑफ आइडियालॉजी एज वेल एज द प्रब्लिमैटिकल रिलेशनशिप विद एनी नोशन ऑफ द आर्ट यानी जो पहले से एस्टेब्लिश नोशन है ये क्या करते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं और कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं पोस्ट मॉडर्न सब्जेक्टिव अप्रोच को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक हमारे पास राइटर था जो कि मॉडर्न मॉडर्न फिलासफर था नाम था बर्टन रसल बर्टन रसल किस चीज पे जोर देता है रीजन के ऊपर लॉजिक के ऊपर रैशनल थाट के ऊपर टू प्लस टू इज़ इक्वल टू फोर के ऊपर लेकिन ये जो एज है ये किसकी एज है सब्जेक्टिविटी की नो no सेंटर पहली तो बात है वो कहते हैं कोई सेंटर नहीं है नो एब्सोल्यूट नॉलेज इनके पास वो कहते हैं किसी के पास एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं अगर नॉलेज है तो वो रिलेटिव फॉर्म में है वो बिखरा हुआ है हर कल्चर में है हर जगह दुनिया के किसी कॉर्नर में भी हो सकता है आप देखें ये अप्रोच जो है आपको बड़ी अच्छी लगेगी मॉडर्निस्ट अप्रोच से भी आ गया। मीनिंग ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म मीन अ नंबर ऑफ ट्रेंड्स आर मूवमेंट इन द आर्ट ऑफ लिटरेचर डिवेलपिंग दीफ्टी सेवेंटी इन रिएक्शन टू द रिजेक्शन ऑफ द डॉगमा प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ द एस्टैब्लिश मॉडर्निज्म यानी जो मॉडर्निज्म के एस्टैब्लिश uh, रूल जो है या उनके जो नोशन है ये उसको क्या करती है रिजेक्ट करती है जो डोगमा थे किसके प्रिंसिपल एस्टैब्लिश मॉडर्निज्म के ये उसको क्या करती है उसको रिजेक्ट करती है ये रिजेक्ट डॉगमास ऑफ मॉडर्निस्ट रैशनल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रीजन रीजनेबल होना चाहिए वो कहती है ऑल द टाइम वी कांट बी रीजनेबल वी कांट बी यू नो वी कांट जज एवरी थिंग विध रीज़न हर चीज़ को रीज़न के साथ तो जज तब करें ना जब कहीं रियलिटी मौजूद हो रियलिटी जो है वो रियेटिव फॉर्म में है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निस्ट तो वो इसलिए इसको रिजेक्ट करते थे तो वो क्या कहते हैं कि मोमेंट इन आर्किटेक्चर इन्फ्लुंस ऑफ द इंटरनेशनल स्टाइल एंड एनकरजिंग द यूज़ ऑफ एलिमेंट हिस्टोरिकल इन फार्मल स्टाइल्स अल्यूजन्स डेकोरेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इस एज में क्या देखी जाती है सब्जेक्टिविटी अपीरेंस क्या है बस आप वही देखें और कुछ नहीं हिस्ट्री ऑफ द पोस्ट द टर्म वॉज द फर्स्ट यूज अराउंड इन एटी द वेरियस एरियाज़ फॉर एग्जाम्पल जॉन आ पोस्ट मॉडर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग टू गेट बियॉन्ड द फ्रेंच इम्प्रेशनिज्म अब ये क्या किसने इसको डिस्कवर किया है उसने ये कॉइन किसने किया 1870 में नाम है वेटकिंस चैपमैन देन जे एम थम्पसनस नाइनटीन फोटी आर्टिकल हिबर्ट हिबर्ट जर्नल यूज़ द पोस्ट मॉडर्निज्म टू डिस्क्राइब द चेंजेस इन द एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ क्रिटिक ऑफ द रिलीजन इसने भी इस्तेमाल किया ये दो नाम याद कर लें और सबसे पहला जॉन वेटकिन चैप चैपमैन जो है इसने ये वर्ड जो है कॉइन किया द टर्म व्लाइड टू द होल होस्ट ऑफ द मोमेंट मैन इन आर्ट म्यूजिक लिटरेचर यानी ये म्यूजिक में यूज हुआ लिटरेचर में पेंटिंग में और ये सारी जो आर्ट की जो फील्ड हैं इसमें इस्तेमाल हुआ पोस्ट मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज द लिटरेचर करेक्टराइज बाई हैवी रिलाइंस ऑन द टेक्निक्स लाइक फ्रेगमेंटेशन ये पॉइंट नोट कर लें पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो है वो किस चीज़ पर बेस करता है फ्रेगमेंटेशन में पैराडॉक्स के अंदर क्वेश्चनेबल नरेटर है इसका और ऑफन डिफाइंड एज अ स्टाइल ट्रेंड इमर्ज पोस्ट वर्ल्ड वार टू पहली बात तो ये एक बात याद रखें कि एटीट्यूड जो होगा उसका लिटरेचर का वो क्वेश्चनेबल होगा आपको क्वेश्चन करता नज़र आएगा इसका जो नेरेटिव होगा फिर क्या होगा पैराडॉक्स की बात होगी फिर क्या होगी फ्रेगमेंटेशन में चीज़ें होंगी अधूरी नॉट कम्प्लीट क्योंकि कंप्लीट इस दुनिया में वो कहते कुछ नहीं तो अपना लिटरेचर भी वैसा प्रोड्यूस करेंगे पोस्ट मॉडर्न वर्क आर सीन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट एनलाइटनमेंट थिंकिंग एंड मॉडर्निस्ट अप्रोच ये इसके खिलाफ एक रिएक्शन नजर आता है अच्छा ये चीज़ें थी जो मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ ये स्टूडेंट फ्रेंड फॉलोअर तीस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पहली बात तो यह है कि इस लिटरेचर के अंदर आपको आयरनी मिलेगी प्लेफुलनेस मिलेगी ब्लैक ह्यूमर मिलेगा अगर आपने पढ़ा हो सी बाय एडवर्ड बॉन्ड मैं थोड़ी स्टोरी सुनाता हूं सी की कोलन कॉलन फ्रेंड है कॉलन फ्रेंड है विली का विल्ली और कॉलन जो है दोनों जाते हैं एक एक्सपेडिशन पे सी एक्सपेडिशन पे ये एक कोस्टल एरिया है वहां पे रहता है हैच हैच और मिस्टर एवन मिस्टर एवन जो है ये एक शराबी बंदा है और ये बड़ी गहरी बातें करता है मिस्टर हैच जो है ये एक सुपरस्टिशियस बंदा है ये कहता है कि हमारे यहाँ पे एलियन आते हैं और ये इस दुनिया को नुकसान पहुँचाते हैं अब ये विल्ली का जो दोस्त है कॉलन ये दोनों कश्ती पर सवार होते हैं तो साथ ही एक आर्मी का इलाका है जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही हैं मतलब वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मशक़ें जंगी मशकें कर रहे हैं तो जंगी मशकों के दौरान या सम हो कोई वेव्स ऐसी आती हैं आ, सी के अंदर के कॉलन डूब जाता है और बिल्ली जो है अपनी जान बचाने में कामयाब ये बाहर आता है तो ये मिस्टर एवन से मद मद के लिए पूछता है और ये भी इसकी हेल्प नहीं करता ये वैसे ही ड्रंक्ड होता है और हैक जो है वो कहता है कि तुम वैसे ही एलियन हो हमारे इलाके के नहीं अब इस स्टोरी के अंदर एक ब्लैक ह्यूमर दिखाया गया है वो बंदा साथ साथ ब्लैक ह्यूमर मीन कि एक पैरडी एक उसे कॉमेडी टाइप दिखाया गया है ठीक है कि साथ साथ क्या चल रहा है कि वो एक मज़ाक का एलिमेंट और साथ साथ क्या चल रहा है कि दुख ट्रेजिक टोन भी आपको साथ साथ मिलेगी तो ब्लैक ह्यूमर में लोग जो है ब्ला, ब्लैक ह्यूमर में लोग लिखेंगे ब्लैक ह्यूमर जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं आर्टिस्ट ये भी पोस्ट मॉडर्न राइटर राइटर की बात की है एडवर्ड बॉन्ड जो है ये भी एक पोस्ट मॉडर्न राइटर है अभी मैंने थोड़ी सी आपको वो सुना दी है समरी बाकी इसको मैंने अपलोड किया हुआ उसको सुन लीजिएगा वहाँ से दसी आपने लिखना है दसी समरी बड़ी ज़बरदस्त समरी इसकी मैंने बनाई हुई है बाई सर राना बस ये लिखें आपके सामने आ जाएगा इसको आपने ज़रूर विजिट करना है और ये क्या है आ, ये लफ्ज़ नोट कर लें पहले भी मैंने बताया इस पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर हर चीज़ वो कहते हैं कि बिखरी हुई है रिलेटिव फॉर्म में है ये तो हमने आयरनी यूज कर ली ये तकरीबन तो हर एज में यूज होती रही है लिटरेचर में प्लेफुलनेस ब्लैक ह्यूमर ये चीज उसकी करेक्टरिस्टिक है किसकी पोस्ट मॉडर्न एज की ये ज्यादा इस्तेमाल होते थे एलिमेंट एक लफज है पस्टीश पस्टीश का मतलब होता है बारोड बारोट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इसका स्नैपशॉट ले लें फॉरवर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज को कहते हैं फस्थीश तो फस्थीश जो है इसका मतलब कलेक्शन भी होता है अब जो भी लिटरेचर लिखा जाएगा वो एक बॉडी के ऊपर डिपेंड करके नहीं लिखा जाएगा एक थॉट पे नहीं लिखा जाएगा एक कंट्री को नहीं मद्देनजर रखा जाएगा एक लोगों को नहीं रखा जाएगा बल्कि उस पर मल्टीपल नरेटर व्यूज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे कभी वो थर्ड पर्सन ओमनिशंट जो है वो यूज किया जाएगा कभी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा कभी सेकंड हो जाएगा वो ऐसे चेंज होते रहेंगे सारे अपना व्यू देंगे एक डेमोक्रेटिक दौर है तो उसके अंदर फिर व्यू भी होगा क्या होगा डिफरेंट व्यू होंगे इसके अंदर फस्तीश ये एलिमेंट इसके मॉडर्न लिटरेचर में होगा फस्तीश का के कलेक्शन ठीक है लिख लें इसका मतलब मैं लिखवा देता हूँ कि इमिटेशंस ऑफ द आर्ट कल्चर पेंटिंग ऑफ द पास्ट पश्टीज का मतलब होता है कि यू टेक फ्रॉम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एंड आइडिया बुक्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज उसको प्रस्टीज कहते हैं इंटरटेक्चुअलिटी ये भी करक्टरिस्टिक है मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की लिखें इसका मानी इंटर टेक्चुअलिटी का मतलब है रिलेशन बिटवीन द टैक्स स्पेशली लिटरे लिटरेरी इंटरमिक्सिंग ऑफ द टैक्स बाय डिफरेंट खोट रेफरेंस इंटरमिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट टैक्स ये वही बात आ गई ना जो मैंने आपको बात की इंटरमिक्सिंग ऑफ टेक्स्ट कि आपको अगर कोई जरूरत पड़ी है एंशियंट ग्रीस से तो आप एंशियंट ग्रीस से ले लेंगे आपको कोई मॉडर्न एज से कोई डाटा चाहिए आप उधर से ले लेंगे आपको मेडिवल आपको जिस एज से जो डाटा मिलेगा आप उसे कलेक्ट करके एक नई चीज़ बना के पेश करोगे और ये इंटरमैक इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कोट्स रेफरेंस बुक्स आइडिया आइडियालॉजी एंड इट विल बी इन्फ्यूज इन योर बुक एंड इट विल भी इन्फ्यूज योर वर्क इट इज़ नोन एज इंटरटेक्चुअलिटी नोट कर लें इंटरटेक्चुअलिटी ब्लैक ह्यूमर होगा तस्तीश होगा इंटरटेक्सुअलिटी होगी मैटाफिक्शंस व्हाट इज फिक्शन? नोट करें मेटाफिक्शन को ये भी करेक्टरिस्टिक है हमारी पोस्ट मॉडर्न एज की फिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ फिक्शन दैट कंटिन्यूसली रिमाइंडिंग रीडर दे आर रीडिंग फिक्शन मैटाफिक्शन ऐसा वर्क है कि जो रीडर को ये रियलाइज करवाए भाई कोई रियलिटी नहीं पढ़ रहे आप यू आर रीडिंग नावल क्योंकि वो नावल के बारे में खुद बताएगा एक नावल जब नावल के बारे में उसकी डेफिनेशन उस वो क्या है वो किधर से आया कैसे प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो उसी के बारे में कुछ बता रहा है तो उसे कहते हैं मेटाफिक्शन कि लिटरेचर अपने बारे में खुद बता रहा है कि भाई मैं ये हूँ मेटाफिक्शंस ये है टेक्निक पोस्ट मॉडर्न एज की आगे लिखें एक और कंसेप्ट है तीसरा हिस्टोरीग्राफिक मेटाफिक्शन हिस्टोरी मेटा हिस्टोरीग्राफिक हिस्टोरी मेटा फिक्शंस ये कॉम्बिनेशन है ये मिक्सचर है ये ब्लेंड है तीन चीज़ों का नोट करें इसके अंदर ब्लेंड दिया जाता है तीन चीज़ों का फिक्शन अगर आपने कोई टैक्स लिखनी है उसके अंदर फिक्शन भी डालेंगे हिस्ट्री भी डालेंगे और ये करेक्टरिस्टिक है पोस्ट मॉडर्न एज की याद रखें आपसे पूछ सकते हैं और थीरीज़ भी डालेंगे क्योंकि थीरीज भी मौजूद हैं मॉडर्न एज में यानी अगर किसी वर्क में आपको फिक्शन का काम मिल जाए हिस्ट्री का काम मिल जाए और साथ थीरी भी कोई मिक्स हो उसके साथ ब्लेंड हुई हो उसके साथ इंटरमिक्स हुई हो तो हम उसे कहेंगे हिस्टोरी ग्राफिक मेटाफिक्शन नोट कर लें इसको भी कि अगर किसी चीज में किसी वर्क में तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हो हिस्ट्री फिक्शंस और थीरीज तो वो मेटा हिस्टोरी मेटा फिक्शन कहलाता है अच्छा इसको इस टर्म को कॉइन किया था लिंडा हैचिन एच यू टी सी एच ई -e ओ एन हैचिन लिंडा हैचिन इन 1987 लिंडा हैचिन के कब 1987 में इसने कॉइन किया था कॉइन किया मतलब बनाया पूछ, पूछ कि हिस्टोरी ग्राफिक फिक्शन किसने क्वेंट किया तो लिंडा ने तेंपोरल तेंपोरल का मतलब होता है टाइम क्या होता है अब ये भी आपको मैं बताता हूं आपको जो नावल इस में मिलेंगे उनके अंदर डिस्टोर्शन होगी टाइम की कि टाइम ये कभी वो बताएगा कि एक दिन में पूरा नावल ख़त्म करेगा कभी कभी अभी मैं आपके साथ एक नावल डिस्कस करूंगा मिसिज़ डेलोवे फर्जीनिया वुल्फ का उसकी एक दिन में ही उसने पूरा नावल जो है वो ख़त्म कर दिया आप क्या सोच सकते हैं पहले तो साल दिखाए जाते थे बड़े कई सालों के ऊपर फिर वो सालों की एक्टिविटी दिखाई जाती है कि इतने साल में ये हुआ इतने उनकी मतलब वो जैसे अरिस्टोटल ने कहा था कि यूनिटी ऑफ टाइम यूनिटी ऑफ प्लेस यूनिटी ऑफ पीपल टाइम पीपल प्लेस इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ा यानी ये चीज़ों को वो बड़ा uh, नज़र में रखते थे क्लासिकल एनशियट राइटर अब यहाँ पे क्या कहेंगे वो दस साल का हर उन्होंने लिखना तो कर देंगे आफ्टर टेन ईयर बस दस ईयर के बाद वो किसी को मार देंगे कोई निकल जाएगा कोई साइड पे हो जाएगा कोई कहीं चला जाएगा करैक्टर तो अब ऐसे होता है ना आफ्टर ट्वेंटी ईयर ये मॉडर्न टेक्निक्स थी तो ये ये डिस्टोर्शन बहुत मिलेगी इसके अंदर टेम्पोरल मीन टाइम इन के लिटरेचर के अंदर अभी कोई डिस्कस करेंगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा फिर उसके बाद जी थेक्नोकल्चर एंड हाइपर रियलिटी इसके अंदर क्या आपको दिखाएगा कि इंफॉर्मेशन जो है जेन ब्रॉडलियर क्रेम पोस्ट मॉडर्न वॉज डिफाइंड इन टू हाइपर रियलिटी इन विच हैव रिप्लेस द रियल कि जो पिक्चर की रियलिटी है मतलब जो आपको सामने नज़र आ रही है जो आपको टेक्निकल चीज़ों के अंदर जो सामने नज़र आ रही है मीडिया के ऊपर चीज़ नज़र आ रही है उसको हम क्या समझते हैं उसको ही रियलिटी समझते हैं मतलब हमने क्या ख़रीदना है क्या पहनना है अब ये फ़ैसला हम करते हैं तो जेन ब्रॉडलियड ने कहा कि इसका फैसला तो आजकल कौन करता है मीडिया करता है जो हाइपर रियलिटी जो हमें सामने दिखाई जा रही है हालांकि वो सारी कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं लेकिन हम उनको क्या समझते हैं रियलिटी तो आजकल की रियलिटी जो है वो हाइपर रियलिटी है कि वट एवर यू आर बींग शोन यू विल बी यू विल बी कन्विंस्ड एक चीज़ की बार बार मशहूरियाँ क्यों आ रही होती हैं भाई बताएं मुझे असल में वो आपकी साइकोलॉजी बना रहे हैं कि भाई आपने ये चीज़ जो है अच्छी है यानी जो मीडिया पे आ रही है हमने अगर कहीं जाना है बाज़ार में तो हमने कहना है यार मुझे वो मतलब आपने कोई अगर कोई क्रीम भी ख़रीदनी है तो हम कहेंगे फेयर एंड लवली दे दो क्योंकि उसकी मशहूरी आती है अब हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा ज़्यादा और क्रीम्स जो हैं जिनकी मशहूरी नहीं आ रही वो उससे अच्छी हूँ तो हमारी रियलिटी किसने फार्म कर दी मीडिया ने कि फेयर एंड लवली जो है वो सबसे अच्छी है तो उसने ब्रॉड जेन ब्रौड कहता है कि रियलिटी आजकल मीडिया बनाता है हाइपर रियलिटी ही रियलिटी है अच्छा ये जो टर्म है मैक्सीम मैक्सीमल मैक्सीमलिज़म जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको हम डिस्कस करते हैं इसका मतलब लिखें कि जो लिटरेचर होगा नावल ड्रामा जो भी लिखा जाएगा वो एक तो वो लॉन्ग होगा ठीक है एक डाइग्रेसिव होगा क्योंकि उसका सेंटर ही नहीं है तो वो डाइग्रेसिव होगा बहुत सारी डाइग्रेशन होगी उसमें ठीक है और वाइड स्प्रेड उसमें वाइड जो है लेवल पे वाइड लेवल पे इस्तेमाल किया जा रहा होगा और उसमें क्या किया जा रहा होगा कहता है कि लिटरेरी डिवाइसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाएंगी यानी अब जो हम पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें होंगी एक तो लॉन्ग होगा काम डाइग्रेसिव होगा वाइड लेवल पे उसको कवर किया जा रहा होगा क्योंकि उसमें कोई एक फिक्स्ड चीज दिखाई नहीं जा रही स्ट्रक्चर को इधर से कोई इधर से उधर से, से उठा उठा के चीजें उसमें डिस्कस की जाएंगी तो वो वाइड लेवल पे बन जाएगा फिर उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर बहुत सारी लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल की जा, जाएंगी और इसे कहते हैं लॉन्ग प्रोज नावल अनयूजअली लॉन्ग एंड कम्प्लीट कंप्लेक्स यानी जो इसमें वर्क पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में डिस्कस होगा वो अनयूजअली लॉन्ग और कंप्लेक्स होगा वो इतना लंबा हो जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा कभी आपको आगे ले जाएगा राइटर कभी पीछे ले आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसको कहते हैं अब मिनिमलिज्म कभी वो मैक्सिमलिज्म और मिनिमलिज्म दोनों को यूज कर सकता है इस एज के अंदर यूस्टर्स एंड लेस शॉर्ट स्टोरीज वर्क मिनिमलिस्ट मिनिमलिस्ट का मतलब यह है कि वो बाज ये करता है कि शॉर्ट स्टोरी और इस तरह की चीजें भी अंदर शामिल करके अपनी बात कर लेता है ये होता है टर्स टू द पॉइंट इसको कहते हैं मिनिमलिस्ट आगे लिखे मैजिकल रियलिज्म व्हाट इज मैजिकल रियलिज्म मैजिकल रियलिज्म का मतलब लिखिए पेंट मॉडर्न रियलिस्टिक व्यू बाय एडिंग मैजिकल एलिमेंट रियलिटी दिखाना उसके साथ मैजिकल एलिमेंट डाल के पेंट रियल व्यू जो रियल व्यू आपके सामने मौजूद है पेंट रियल व्यू बाय इन्फ्यूजिंग और साथ शामिल कर लेना मैजिकल एलिमेंट यानी मैजिकल एलिमेंट और रियल जो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना इसको कहते हैं मैजिकल रियलिज्म कुछ कुछ थोड़ा सा मैजिकल दिखा दिया कुछ रियलिटी पेंट कर दी तो ये भी पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की करेक्टरिस्टिक है उसके अंदर इस्तेमाल होता है उसके बाद पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन मीन के हर करैक्टर की पार्टिसिपेशन होगी मतलब ये नहीं है कि इतने कुछ करैक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया सात आठ और उनको डिस्कस ही ना किया उनका नैरेटिव ही ना लिया उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही ना लिया हर कोई बोलेगा इस लिटरेचर के अंदर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जी मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर इधर आते हैं देखिएगा ये स्टार्ट हुआ एटीन से और ये रहा उन्नीस तक उन्नीस सौ के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज़्म में क्या है कि हर चीज़ को डाउट सब्जेक्टिविटी कोई सेंटर नहीं है कोई एक चीज़ नहीं है हर चीज़ को वो क्या देखेंगे एक तो डाउट के साथ एक सब्जेक्टिविटी के साथ एक डीकंस्ट्रक्शन के साथ एक पोस्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के साथ उससे पहले क्या एक स्ट्रक्चर है एक फैमिली है एक ओवरऑल चीज़ है और एक प्री कंसीव्ड नोशन है उसके मुताबिक चीज़ें ली जा रही हैं लेकिन अब पोस्ट मॉडर्न में हर चीज़ को ब्रेक डाउन किया जाएगा हर चीज़ को डी के थ्रू देखा जाएगा स्ट्रक्चरलिज्म के थ्रू देखा जाएगा और ये पोस्ट वर्ल्ड वार टू का एरा है ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद का एरा है उसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म यह देखें लिखा हुआ और ये क्या वर्ल्ड वार से पहले का और जहां से वर्ल्ड वार सेकंड जो है वर्ल्ड सेकंड स्टार्ट होगी उसके बाद का लिटरेचर सारा पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म वाज बेस्ड ऑन यूजिंग द रैशनल लॉजिकल ये देखें मैं बार बार बता रहा हूं ये बात आपने याद रखनी है इससे एमसीक्यू रिलेटेड बहुत ज्यादा आने हैं मीन्स टू गेन गेन्स नॉलेज आपको क्या चीज मॉडर्निज्म में क्या दिखाया जाएगा रैशनल थाट लॉजिकल और मीन टू गेन नॉलेज यही है कि आप ऑब्जेक्टिव हों आप रैशनल हो आप लॉजिकल हों आप एम्फेरिकल हूँ टू प्लस टू के टू के फॉर्म फार्मूले को मानते हूँ वो कहते हैं नो ये सारा नॉलेज तो इंसानों का बनाया हुआ है ये लोगों ने खुद उनके स्कूल ऑफ थाट ने खुद ही बनाया जब किसी चीज़ का सेंटर ही नहीं है नॉलेज नहीं है तो वो किसको मानते हैं कि कोई सेंटर नहीं है कोई एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं इट वॉज़ करैक्टराइज बाई द हिस्टोरिकल हरेरिकल एंड ऑर्गन ऑर्गेनाइज ये एक स्ट्रक्चर को मानता है ये किसको मानता है एक स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को खास स्ट्रक्चर है हर चीज का यह किसको मानता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को जिसे डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं पॉइंट को नोट करती जाएं ये बुक्स में नहीं मिलती चीजें डिटर्मिनेट नेचर ऑफ द नॉलेज मॉडर्निस्ट अप्रोच वाज ऑब्जेक्टिव थ्रेटिकल एंड एनालिटिक अब ये क्या था मॉडर्निस्ट था अप्रोच क्या थी ऑब्जेक्टिव थी थ्रेटिकल थी और एनालिटिक थी इसकी क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म की अप्रोच क्या सब्जेक्टिव होगी ये देखे लिखा हुआ यानी दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा ये टोटली totally ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी और इसके रिएक्शन में क्या आई सब्जेक्टिव अप्रोच ये कहते हैं रियलिटी एक स्ट्रक्चर के अंदर है ये कहते हैं रियलिटी इन स्ट्रक्चर के बाहर जाएंगे तो मिलेगी एक जगह तो है ही नहीं ये कहते इसे तोड़ दो स्ट्रक्चर को यहां तक किसी बच्चे को स्ट्रक्चरलिज्म और ये मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में कोई मसला हो जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की है इट वॉज बेस्ड ऑन क्लियर है इट वॉज बेस्ड ऑन द एनार्की अनर्जिकल एंड नॉन टोटलाइज इन डिटर्मिनेट स्टेट ऑफ नॉलेज एक देखे ना डिटर्मिनिस्ट है एक फ़िलासफी है उसके मुताबक है वो कहते हैं कि लाइफ जो है वो डिटर डिटर्मनड है डिटर्मनिस्ट है या नॉन डिटर्मनिस्ट है मिसाल के तौर पर अगर मेरी आ, मेरे माइंड में ये लिखा है मतलब कि मैंने ये भी एक अप्रोच है और बंदे को ये अच्छी खासी कन्फ्यूज़ कर देती है देखिए इंसान की लाइफ लिबर्ट उसमें लिबर्टी है या वो डिटर्मिनिस्ट है कुछ लोग जो है इसको मानते हैं डिटर्मिनिस्ट कुछ कहते हैं कि इंसान जो है वो फ्री विल है उसके वो मतलब जो मर्जी करे उसकी लाइफ फ्री है यानी जो भी उसके साथ होता है वो फ्रीली हो जाता है आज़ाद है इंसान कभी इधर जाए उधर जाए कोई इसके ऊपर वो कहते हैं कि इंसान है, के अंदर एक एजेंट होता है माइंड के अंदर डिटर्मेनिस्ट कहते हैं हर चीज़ मतलब अब मैंने मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं या कॉफ़ी पी सकता हूँ और मैं क्या पी सकता हूँ मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ वो कहते हैं ये कॉफ़ी पीना आइसक्रीम खाना ये भक वक़्त नहीं हुआ ये पहले माइंड के अंदर डिटरमिन होता है वो एजेंट जो है डिटरमिन करता है माइंड और फिर उसके बाद वो कॉफी का ही ऑर्डर देता है वो आइसक्रीम का नहीं देता इसका मतलब है पहले वो उसके माइंड में आइडिया आ जाता है उसके बाद उसके बाद कहते जब आइडिया पहले माइंड में आ जाता है तो इंसान फ्री तो ना हुआ फिर वो कहते हैं मिसाल देते हैं कि अगर यहाँ पर हवा के अंदर बाल जो है वो उड़ के जा रही है तो उसके पीछे कॉज एंड अफेक्ट है किसी ने उसको हिट किया तो वो ऐसे गई है यानी जो भी दिमाग के अंदर आती है चीज़ वही बाहर आती है मतलब पहले डिटर्मेंट हो जाती है उसके बाद बाहर आती है उसका एजेंट है जो उसको ये सब कुछ करवाता है वो माइंड है तो ये कहते हैं लिबर्टी इंसान जो है वो फ्री है और वो खुद ही इम्पल्सिव ही उससे होता रहता है जबकि ऐसा नहीं है कुछ इसको मानते हैं कुछ उस अप्रोच को दोनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है अच्छा ये देखें मॉडर्निस्ट थिंकिंग इज अबाउट द सर्च ऑफ द एब्सट्रैक्ट ट्रूथ ऑफ रियलिटी मॉडर्निज्म अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कोहेरेंट वर्ल्ड व्यू अब ये कोहेरेंट चाहते हैं लाइफ में ये लाइफ एक स्ट्रक्चर में मानते हैं ये लाइफ के अंदर ये कहते हैं कि तसलसल है कंटिन्यूटी के साथ चलती है मॉडर्निस्ट कहते हैं जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं थिंकर कहते हैं दैट देर इज़ नो यूनिवर्सल ट्रूथ कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ठीक है

पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा विद द ऑनसेट ऑफ द ऑनसेट होता स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर मीडिया ये स्टार्ट हुआ किस से मीडिया के साथ एडवासमेंट के साथ टेक्नोलॉजी के साथ टेलीविजन के साथ कंप्यूटर के साथ बिकम डोमिनेट इन द सोसाइटी ये चीज़ें डोमिनेट है अब देखिए ये अवर्ट व्यू था और यहाँ पे चीज़ें क्या कवर्ट, कवर्ट हो गई कोवर्ट हो गई हैं अब पहले किसी की मूवी बनती थी तो उसको बताया जाता भाई तुम्हारी वीडियो बनाएं अब यहां पे क्या कवर्ट हो रही है आपको पता ही नहीं आपकी वीडियो बन गई आपको पता ही नहीं आपकी पिक्चर पूरी बन गई जो एक्टिविटी की वो सामने नजर आ जाती है पोस्ट मॉडर्न आथर है नाम हैट कर्ट नाइनटीन ट्वेंटी 1922 में पैदा हुआ टू थाउजेंड सेवन में इसकी डेथ हुई अमेरिकन है Biography of the Kurt Von, uh, Von Gert, born in Indianapolis, Indiana, United States, November 11, 1922, died April 11, 2007. Kurt's family was very hard by the depression. Read this. His mother killed himself overdosing on sleeping pills, 1945. On December 14, 1944, Von Gert was captured in the Battle of the uh, Bulge and he was held at the po in the residence